दूर दूर से लोग उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के जाजमाऊ इलाके में सूफी बुजुर्ग हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी देने आते हैं। आज भी मुख्तलिफ मकामात और मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग यहां आकर चादर चढ़ाते हैं और फैज हासिल करते हैं। माना जाता है कि सूफी बुजुर्ग की दरगाह पर हाजिरी देने से सबकी ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। ये आस्थाना हुजूर सैयदी सरकार अलाउल हक वद्दीन अल मारूम मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का है और आपने सुना तकरीबन 800 साल से ज्यादा हो गए कि आप हयात ज़ाहरी में 60 साल तक यहाँ पर आपने मोहब्बत व उल्फत और उनसियत की तालीम दी, भाईचारगी का दर्स दिया और इमसाल 764वां उर्से पाक आपका मुनक्किद हुआ जिसमें कई लाख अकीदतमंद की हाजिरी हुई और यहाँ से हमेशा मोहब्बत की और भाईचारगी का दर्स दिया जाता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, वह यहाँ आते हैं और दिल से दुआ करते हैं और मांगी मुरादों को वो पाते हैं। हाल ही में कानपुर में हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने दुआ में शिरकत की। दरगाह पर हाजिरी देने वालों ने मुनाक़िदा तकरीब में मुल्क की सलामती और अमन अमान के लिए खसूसी दुआ मांगी। अकीदतमंदों का कहना है कि इस दरगाह पर हाजिरी देने से सुकून कल्ब मिलता है। ये दरगाह में देश विदेश के तमाम लोग आते हैं। किसी को जिसकी भी मुराद पूरी होती है वो अपना जो है यहाँ पे शिवनी भी लाता है, मिठाई लाता है, तमाम चीज़ें लाता है और जो है चढ़ावा भी चढ़ाता है इस तरह जो है। और इसके अलावा जो है यहाँ सरकार का गुस्ल होता है जो है 25 सफ़र को, तो उसका जो पानी है सरकार के गुस्ल का वो जो है बहुत शिफा देता है लोगों को, यहाँ तक कि कैंसर की बीमारी में और जो है सरकार के गुस्ल का पानी जो है लोगों के अटैक में तमाम चीज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। कानपुर के जाजमाओं के टेले पर हजरत मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह खानका वाका है। मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हा के सिलसिले से हैं, जो मुल्क ईरान के शहर जंजान में पैदा हुए थे। आपका नाम मोहम्मद यूसुफ अल मारूफ मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कानपुर में आकर मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर व मारूफ हुए। ईरान में ही आपने हजरत ख्वाजा खरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में सुहरावर्दी सिलसिले से वाबस्तगी का शर्फ भी हासिल किया। हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस दरगाह से अपना अकीदा रखते हैं। यहाँ पे दरअसल हर धर्म के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, हर धर्म के हर कास्ट के लोग आते हैं और यहाँ से काफ़ी लोगों को आस्था है और उनको हर तरह की, मतलब कि जो भी बीमारियाँ या अपने दुख परेशानी लेके आते हैं यहाँ से उनको शिफा मिलता है और कामयाबी मिलती है। सर हमको बता तो रहे हैं 17-18 साल हो गए हमको आते यहाँ, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत सुकून मिलता है। हमको बाबा ने बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि हमारी झोली छोटी हो गई, लेकिन एक परेशानी है कि जो मेरे बाबा पूरा कर दें, अब पूरा करते हैं बाबा। फाया, फाया, फाया।
इस दरगाह की खसूसियत ये है कि यहाँ से अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। इस बार उर्स में खसूसी दुआ में जहाँ मुल्क में अमन व अमान और सलामती की दुआ मांगी गई, वहीं अवाम से अपील की गई कि वो इस बार 12 रबीउल अव्वल के मौके पर एक पेड़ लगाएं। मखदूम शाह आला रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के ताल्लुक से एक रवायत ये भी आम है कि उर्स में जब कुल मुकम्मल होता है तो मज़ार के सहन में लगे नीम के दरख्त की पत्तियां मीठी हो जाती हैं, जिसे जायरीन तबरुक समझकर खाते हैं। इस दरगाह से लोगों की गहरी वाबस्तगी है, क्योंकि उनका अकीदा है कि यहाँ हर तरह की बीमारियों और मसाइल का हल निकलता है। आज भी ये दरगाह मोहब्बत, भाईचारा, हम आहंगी और रवादारी को मुतहिद और मजबूत करके रखी हुई है। सर, जैसे इसको जाजमऊ की नगरी कहा जाता है, तो यहाँ पे बाबा सिद्धनाथ और मखदूम शाह आला, ये दोनों की यही कैटेगरी है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और सभी लोग श्रद्धा से आते हैं, उनको यहाँ से कुछ न कुछ मिलता है, तभी वहाँ यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ शीश नवाते हैं। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर? सर, आसपास के तमाम छोटे छोटे जनपदों से भी लोग आते हैं जिनकी आस्था टिकी हुई है। पहले तो बहुत दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन जब से ये कोरोना काल हो गया है तब से लोगों का आना कम हो गया है, लेकिन आसपास के तमाम जनपदों से मखदूम शाह आला की दरगाह में लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म। तसव्वुफ में इंसान अपनी जात की सतह से बुलंद होकर अपनी रूहानी ताकत को इतना बढ़ा लेता है कि उसे हकीकत का इरफान हासिल होता है और वह खुद को पहचान कर खुदा को पहचान लेता है। तसव्वुफ में तसव्वुर इंसान मिलता है। इंसान का मनसब ये है कि वो रजाए खुदाबंदी को खल्फियतुल अल्लाह फिल अर्ज की हैसियत से पूरा करे, और ये सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब वो अपने आप को पहचाने, ये समझे कि उसकी खुदी हक है, उसका इरफान खुदा का इरफान है, और खुदा के इरफान का तरीका सिवाय उसके और कुछ नहीं कि अपनी खुदी में गुम होकर अपना इरफान हासिल किया जाए। अक्सर मुफक्किरीन और सूफिया की राय में इंसान अपनी कमजोरियों और कोताहियों के बावजूद अपनी खुदादाद सलाहियतों और कुदरती तस्खीर की बदौलत कायनात की दीगर तमाम मखलूकात से अफजल व आला है। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा। हिसाब है नई दानस दानस, क्रोधनो मुसलमानस पजे। कयामत के रोज दाने दाने का हिसाब लिया जाएगा। ऐसे हालात में मुसलमान को जेब नहीं देता कि वो गरूर करे। ऐ मालिक तेरे बंदे हम।